कोई भी अपनी मर्जी से एक कानून बना सकते हैं, तो आप कौन सा कानून बनाएंगे? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब, वाओ, द कपिल शर्मा शो वाली टी शर्ट ये कहाँ मिलती है? सर कपिल पाजी, हमने ये आपके शो में आने के लिए स्पेशली बनवाई। बाय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। कहाँ से आए सर आप? सर हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? और ये मेरी सिस्टर इन लॉ मलेशिया से साथ में स्पेशली आई हैं शो के। अच्छा जी, मलेशिया से, ओके, नमस्कार, वेलकम। और ये जो इस तरफ बैठी हुई है, ये मेरी बिटिया है। अच्छा जी, हेलो जी, वेलकम। बड़े यंग है आपके पापा यार, आप बेटी हैं। मेनी पीपल कॉल हिम एज माय ब्रदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये उस तरफ जो बैठी है, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम साहब हैं जी मेरी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, मैं ऐसा है कि एक जो रूल बनाना चाहता हूँ जी, वो अपने घर से शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, जो मेरी मेम साहब है ना, हाँ जी, वो मेरे को कहती है जी मैं 6 दिन हफ्ते में खाना बनाती हूँ, हाँ, तो मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, तो उसने के रूल बना दिया है कि जी मैं हर संडे बाहर का खाना खाऊंगी और आपको लेके जाना है। ये तो अच्छी बात है। तो मैंने अब एक रूल बनाना है जी, उसमें आपकी हेल्प चाहिए कपिल पाजी। मेरी क्या हेल्प, मैं बनाऊँ आगे? नहीं जी नहीं, खाना प्रमोट करना है जी आपने इस रूल को। हाँ जी, कि जी जैसे अब ये कहते हैं जी 6 दिन में खाना बना के बोर हो जाती हूँ, हाँ जी, तो मैं भी तो सर 6 दिन देख देख के बोर हो जाता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ जी सैटरडे को मेरे को भी परमिशन मिलनी चाहिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मिलूँ, यह मेरा एक रूल होना चाहिए। अरे अनुभव अग्री कर रहे हैं, रिस्पेक्ट फॉर द, ये बात बीवी के सामने बोल रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कमाल की बात है वो हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है। ये तो इन्होंने बीच में बेटी बिठाई हुई ना, अगर नहीं तो ऐसी जगह पे चूटी काटती ना आपके, 1.5 इंच मांस निकाल लेती आपका। 1.5 इंच हाँ, आपका लीवर बाहर से निकाल लेना था इन्होंने। ऐसे ऐसी डिमांड नहीं रखते सर, वैसे बात मेरे को भी अच्छी लगी थी, बात इतनी बुरी नहीं। आपने नाम नहीं बताया सर अपना। राकेश कुमार। राकेश जी क्या करते हैं आप दिल्ली में? सर मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। बात आपने बड़ी हार्डवेयर की है, अब आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। हाँ, दिल्ली तक आराम से जाइएगा, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा एक रूल है लाइक कि जैसे लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है कि आपको सिंदूर कैरी करना है और मंगलसूत्र आपको वेयर करना है, ऐसा बॉयज के लिए क्यों नहीं है कोई रूल? आदमी की शक्ल से पता चल जाता है। नहीं पता चलता। मतलब अभी आयुष्मान सर को देख के कौन कह सकता है कि वो मैरिड है, क्या उनके बच्चे हैं? बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड, तो मेरे को देखकर कौन कह सकता है मैं मैरिड हूँ? आपके पति को देख के तो कह सकता ना कोई कि भाई ये बहुत ज्यादा मैरिड है। बहुत ज्यादा मैरिड, 5-6 किलो मैरिड है। आपकी शादी हो गई? नहीं। आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, ये कानून क्यों लाना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल पे देख लिया, मेरे को एक लड़का बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे डेटिंग के लिए अप्रोच किया कि अच्छा, चलो बात करती हूँ इससे, बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ ऐसे? उनके लिए भी एक टीका होना चाहिए। बोल रहे उनके लिए भी कोई टीका होना चाहिए, वो टीका अगर उसको धोखा देना ही, वो टीका निकाल के रख देगा और तुमको मिलने आ जाएगा। एक्चुअली कितने यहाँ पे आदमी लोग हैं जो सहमत हैं इनकी बात से कि आदमियों को भी लाल टीका लगना चाहिए? कोई है इधर हाथ खड़ा करे? कोई नहीं है श्रुति। और कितनी औरतें हैं जो उनकी बात से सहमत हैं? सारी सारी सब सारी। देखो ठीक है यार, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई थिंक इट्स फाइन। होना चाहिए, आदमी को सिंदूर लगा लेना चाहिए, आदमी को भी सिंदूर नहीं टीका, वो बहुत क्यूट लगेगा। टीके के कलर पे थोड़ा क्यूट भी लगना है, रेड रेड रेड। अच्छा क्यूट भी, शादीशुदा टीका होगा, क्यूट लगाना आपको उसको। क्यूट तो लगना चाहिए ना, तभी तो सेलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी किसी को। देखो अगर आप टीके के बाद क्यूट आपको लग रहा है फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बिना टीके आप एक काम करो, पूरे भारत में जो आपको पसंद है उसको लेके आप चले जाओ, पता क्यों बाकियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जाऊं कहां, ये भी तो प्रॉब्लम है, कहीं भूटान नेपाल श्रीलंका कहीं पे, पता क्यों आप इधर रहेंगे, आप बाकियों को भी खराब करेंगे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, पर अच्छा था आपका आइडिया वैसे। चलिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपको कोई फ्रेश पीस मिले आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखने चाहते हो? जी 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 आइए। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन, हेलो, इधर जल्दी जल्दी हेलो, कहीं जाना है? आराम से बोलिए जी। सर मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह? शुभम सिंह, शुभम शुभम। अच्छा मैं कहा चुभन सिंह क्या नाम हुआ। आज जी शुभम कहाँ से आए शुभम? मुंबई से ही हूँ सर, अंधेरी। अंधेरी से आए? अच्छा जी सर, अभी भी अंधेरा है, ठीक हो गया। अच्छा आज फिर शुभम क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा एक ये है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो लड़कियाँ जो
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं डालती है। हाँ जी मैडम, तो ध्यान दीजिएगा जरा श्रुति जी। सही बात है, ये मिल सकते हैं। ये तो गलत बात। सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे। ओ, मैं तब तुम्हें क्या बताऊं। ये सबके साथ हुआ है। बड़ा सही पॉइंट पकड़ा। अच्छा, एक बार मैंने बहुत अच्छी सी एक लड़की ने इतनी अच्छी फोटो लगाई थी, दीपिका पादुकोण से भी अच्छी। हाँ ये ना, ये एंजल प्रिया के नाम से है ये। ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, एंजल प्रिया, स्वीटू क्यारा, ऐसी बड़ी बड़ी हैं लड़कियां। देखो कितनी रिसर्च की है इस पर, इसको देखो। पहली पहली की बात है। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसा कानून बन जाए कि लड़कियां अपनी ओरिजिनल फोटो लगाएं, ना कि दूसरे हीरोइन। देश में 70% फेसबुक अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ओरिजिनल फोटो है। हाँ बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ शुभम? ऐसा वही सर बताया अभी मैंने, जो मिलने गया था तो फिर आगे क्या, लड़की निकली नहीं, लड़की भी नहीं निकली। मतलब जो लड़की वो निकली, लड़की वो निकली सर, लेकिन वैसे नहीं थी जैसा उसने बहुत अच्छी सी फोटो लगाई थी। तो फिर आपने कुछ बोला उनको? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुड़ के चला निकल गया देख के। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू शुभम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार कपिल जी, मेरा नाम जया मेहता है। जी जया, बेसिकली मैं एक छोटे से गाँव पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी, वहाँ की नहीं सारे पहाड़ों की समस्या है कि वहाँ जंगलों में काफ़ी आग लग रही है। अच्छा जी। और उसको बुझाने के लिए ज़्यादा कुछ सरकार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारे जंगल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसा रूल निकाले कि जैसे फिलीपींस में अभी एक न्यूज़ आई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट तभी होंगे जब वो 10-10 पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भी ऐसे कोई रूल हो कि, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही। और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, मैं तो अपने बर्थडे पे भी पेड़ लगाता हूँ। हम लोगों ने अभी एक हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के सुधीर भाऊ, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था 1 करोड़ पौधे लगाए गए। और एक्चुअली बड़ा बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा आपने। सो एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, एक लेडी थी साउथ से, 100 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, लेकिन बहुत साल पहले उनके कुछ बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन वो बच गई किसी तरीके। और उन्होंने पता नहीं कितने लाख पेड़ अडॉप्ट किए, उन पेड़ों को लगाया, उनको पाला पोसा। आज साउथ में बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने पेड़ लगाए। और सरकार से तो हमारा ये निवेदन है ही, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग इस समय टीवी पर देख रहे हैं, हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अगर हम लोग ये जिम्मेदारी जो है इंडिविजुअली उठाएंगे, तभी हमारे जो आने वाली जनरेशन हैं वो पूरा उसका चीज़ का मज़ा उठा पाएंगे। हो सकता है आने वाली समय में ऐसी चीज़ हो जाए कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी ना मिले। तो ये मैडम ने बड़ा अच्छा मुद्दा जो है उठाया है। थैंक यू सो मच। हाय कप्पू, कैसे रे? मैं ठीक रे। मेरे जैसा बात मत करना। तेरे जैसा कब करते हैं? तेरे जैसा। बहुत बहुत मुबारक हो रे। किस बात? हमारा शो 50 एपिसोड के ऊपर चला गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम के बाद 50 एपिसोड के ऊपर देखे लिए मैं। वरना इसी चैनल पे मेरा भी एक शो आता था पहले। मेरा भी शो कोई खराब नहीं था, मीडिया का प्रॉब्लम है सर। अच्छा। हाँ, ये मीडिया वाले शो चालू होता है ना, तो सिर्फ 1-2 आर्टिकल लिखते, और जब बंद होने वाला होता है तो 14-15 आर्टिकल लिखते। हाय आर्टिकल 15, कैसा लगा सर मेरा क्रिएटिव? बहुत बढ़िया है, कमाल। कैसे मैं जोड़ी ना आर्टिकल 15 से इधर आर्टिकल 15 से। बहुत बढ़िया है ना, बोलने में 2 मिनट जाता है, बनाने में 1 महीना जाता है, मालूम है सर? सर महीना कहाँ लगता है, हफ्ते में 2 बार तो आता है शो। अच्छा, सब बता दे इन लोग को ताकि ये लोग भी शो खड़ा कर दे। बोल, बता दे। फिर तू और मैं नाला सुपारा में दुकान खोल के बैठेंगे उधर। हाँ सच्ची में। हाय कैसे? अरे सर कैसे? अरे मनोज पावाई जी ने जी, जी। अरे सर आपको सनी देओल जी खंड लेके ढूंढ रहे है? क्यों? अरे उन्होंने बोला ना, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। तो खंड तो उनके पास है, पावा तो इधर बैठे। आयुष्मान कैसे? आपकी पिक्चर आ रही है, बधाई हो। अरे बधाई हो नहीं, आर्टिकल 15। तो मैं येड़ी नहीं, मेरे को मालूम है आर्टिकल 15 के लिए बोल रही है, बधाई हो। अच्छा अच्छा भैया। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग। यस। इज ये पिक्चर हिस्टोरिकल पिक्चर है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? मैं पेपर में पढ़ी थी कि इन्होंने तलवार के साथ काम किया है पिक्चर में।
अरे ईशा तलवार हीरोइन है उनकी। अच्छा आप तलवार है? जी जी जी। ओ तो आप शूटिंग के बाद घर पे जाती थी कि मयान में जाती थी? ये बात पहले भी बोल के गया है। अच्छा ज्यादा बोल के गया है। वो जाड़िया ना मेरा रिहर्सल देखता है, मेरी सारी बातें करके के बोल देता है। बहुत शाना है वो जाड़िया का। मैं उसका रिहर्सल देख के उसके सारे पंच बोलेगी इधर आके, तू देखना मेरे। लेकिन सच्ची बोलती है, आपकी जो पिक्चर थी बधाई हो यार, तब मैजिकल पिक्चर थी वो। क्या मैजिक था उसमें? अरे इनके पापा मम्मी को कविता सुनाते हैं और घर में मेहमान आ जाते हैं, इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है। हाँ तो वो फिल्म थी ना, वो कहानी के हिसाब से वैसा होता है। लेकिन उस वजह से नाला सुपर में कितना प्रॉब्लम है हम लोग को मालूम है क्या? 35-35 साल के लौंडे मम्मी और डैडी के बीच में सोने लगे आजकल। वो लोग को बहुत घबराहट होती है कि कहीं मेरे पापा मम्मी को कविता ना सुना दे। बेचारे इस चक्कर में खुद की गर्लफ्रेंड को कविता नहीं सुना पा रहे मालूम है। खैर आपको मालूम मेरा जो चावा है ना मुकेश, पता है मैंने उसको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? रंगे हाथों होता है? नहीं नहीं, हमारा डुक्कर वॉशिंग सर्विस है ना उधर, यू नो पिग, ऐसे पिंक कलर के रहते, उनको धोने का काम है हम लोग का, तो वो उसके हाथ गंदे ही रहते हमेशा। अच्छा। मालूम है वो डुकरी जा रही थी उसको छेड़ रहा था। क्या बोला? वो आयुष्मान का गाना गा रहा था उधर, कितने चल लिए मोरनी बनके मोरनी बन। मैं पकड़ ली, मैंने बोले क्या कर रहे ला इधर? हाँ तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को सुअर में तू नजर आती है। ऐसा बोला वो मेरे को। तो मुझे तो कह रहा था तुम में सुअर नजर आता है। अच्छा हाँ? एक कप्पू मेरे को बात बता, ये तू टच स्क्रीन फोन जो रहता है फिंगरप्रिंट वो तू यूज करता है? हाँ तो उसमें उंगली करना, मेरे को क्या को उंगली करना? मेरे को इधर धंधे की बात करने दे, अभी मेरे को बैठने दे। आ जा बैठ जा। हाँ अरे क्या कर रहा? सर मेरा इधर काम है, मैं इधर सपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ मैं, तो वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हमारा एक है आर्टिकल मसाज। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, मेरी दोस्त मैं आरती है उसको मैं बुलाती है। अच्छा। आरती आती है और तेल लगा के चली जाती है। फिर तो कस्टमर बोलता है मसाज किधर है, मैं बोलती है आरती कल आएगी। ऐसा आपके लिए भी स्पेशल मसाज है सर, अनुभव मसाज। अच्छा अनुभव मसाज, इसमें अनु आती होगी और भाव करके चली जाती होगी। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ। उसमें भाव आके अनु की मसाज करेगा ऐसा। ऐसा हम लोग का रहता है सर। तो जब भी आना रहेगा सर बताइए हमारे।